हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं विपिन कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर। आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का मॉडल पेपर 16 सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप लोग आस्क करेंगे, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। एक लाइक तो आप लोग कम से कम कर ही सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन इस प्रकार है। पुलकेशिन किस राजवंश के थे? चोल, चालुक्य, मौर्य या गुप्त? बताना है आपको जो पुलकेशिन था वो किस राजवंश से संबंध रखते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। जो पुलकेशिन थे वो चालुक्य वंश के थे। कौन सा वंश था? चालुक्य वंश था, याद रखेंगे। और चालुक्य वंश के राजाओं में ये सबसे शक्तिशाली राजा था। शक्तिशाली राजा था कौन? पुलकेशिन द्वितीय सबसे शक्तिशाली राजा था। और एक चीज याद रखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख मिलता है। कौन सा? एहोल अभिलेख, याद रखेंगे। एहोल अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और इसी से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच, ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। इतने पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इनमें से बताना है आपको, मौर्य, नंद, पल्लव या गुप्त। इन राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। जो नंद वंश है वो सबसे प्राचीन राजवंश है। नंद वंश जो था वो 344 344 ईसा पूर्व, कब? 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक, 323 ईसा पूर्व तक रहा। और इसका सबसे शक्तिशाली जो राजा था वो घनानंद था। कौन था? घनानंद। सबसे शक्तिशाली जो राजा था नंद वंश का वो घनानंद था। सबसे प्राचीनतम राजवंश नंद वंश है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम राजवंश का संस्थापक है, और ये गुलाम किसका था? मोहम्मद गोरी का, महमूद गजनवी का, या इल्तुतमिश का, या बलबन का? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका? मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये एक तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है? था एक एक तुर्क था, और बचपन में ही इसे निशापुर के काजी ने उसे खरीदा था। किसने पहले खरीदा? निशापुर का एक काजी था, उसने इसे खरीदा किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसकी योग्यता को देख करके मोहम्मद गोरी ने इसे उस काजी से खरीद लिया था, और इसे एक पद दिया था, आमिर ए आखुर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसे पद दिया था एक, कौन सा? आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर का पद दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे चलेंगे। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहां की संधि से हुआ? जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इसका अंत किस संधि से हुआ? जो दूसरा आंग्ल युद्ध हुआ था इसका अंत किससे हुआ, ये बताना है आपको। मैंगलोर या मैसूर, श्रीरंगपट्टनम या मद्रास? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मैसूर। मैसूर की संधि से इसका अंत होता है। और ये युद्ध जो हुआ था वो 1780 से 1784 के बीच, कब? 1780 से 1784 के बीच ये युद्ध हुआ। और इस संधि का जो अंत हुआ था दोस्तों वो आप याद रखेंगे, मैसूर नहीं मैंगलोर होना चाहिए। मैंगलोर संधि जब हुई 1784 में, इसके द्वारा ये संधि हुई और आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? भारतीय प्रशासन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेंटिंग, लॉर्ड कार्नवालिस। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस के समय में भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसीलिए इन्हें भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। किसे? भारतीय नागरिक सेवा का जनक, भारतीय नागरिक सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, लाहौर या बंबई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये आपका मुंबई में हुआ था, और जो पहला अधिवेशन था वो 28 से 31 दिसंबर 1885, कब? 1885 ईस्वी में, 28 से 31 दिसंबर 1885 में कहां आयोजित किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो ब्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। किसने की थी? ब्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और लगभग इसमें 72 प्रतिनिधि यानी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, गोपाल बाबा वाला या ज्योतिबा फुले। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन डी है, ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने 1873 ईस्वी में की थी, कब की थी? 1873 ईस्वी में सत्य शोधक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने महाराष्ट्र में की थी। सत्य शोधक समाज का अर्थ है कि सत्य की खोज करने वाला समाज, और यही एक किसान और निचली जाति के लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए इसकी स्थापना इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्थापना कब की गई थी दोस्तों, यह इंपॉर्टेंस हो जाता है, 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को, 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को, 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बंबई में इसकी स्थापना की थी। कहां की थी? मुंबई में या बंबई, दोनों लिख के आता है, यहां पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए 7 राज्यों में, 9 राज्यों में, 5 राज्यों में या 4 राज्यों में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 7 राज्यों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल बनाए थे, जिसमें पंजाब, बंगाल, सिंध और आसाम में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। कहां कहां? पंजाब, बंगाल, सिंध और आसाम में इसकी सरकार नहीं बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला, कोल्हापुर बम मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला या काकोरी मामला। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अलीपुर बम मामले के फलस्वरूप इन्हें गिरफ्तार किया गया था, और इन्होंने क्या किया था? सत्येंद्रनाथ घोष, नरेंद्र गोसाई की अलीपुर जेल में सत्येंद्रनाथ घोष ने हत्या कर दी थी, और सभी सदस्यों को इन्हें आजीवन कालापानी की सजा दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अलीपुर षड्यंत्र केस यानी अलीपुर बम मामला की वजह से ही अरविंद को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की ओर।
यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना 1610 यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट, कितने देर में 23 घंटे 56 मिनट 56 मिनट में और 4.09 सेकंड में ये एक चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय प्लेटनरी हवाएं कौन सी हैं जो मौसम बदलने के साथ अपनी दिशा बदल दे, जो रात व दिन के साथ अपनी दिशा बदल ले, जो कभी दिशा नहीं बदलती, या जो पर्वतीय ढलान पर बहती हो। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जो कभी दिशा नहीं बदलती है उन्हें भूमंडलीय प्लेटनरी हवाएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद क्या है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी का। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कर्नाटक और तमिलनाडु का ये कावेरी जल विवाद है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहां स्थापित है, नागरकोइल, जैसलमेर, माधापुर, कच्छ का रण। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, माधापुर। गुजरात के निकट जो भुज है, भुज इसके पास में माधापुर पड़ता है, यह सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र केंद्र है। अगला क्वेश्चन, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय वितरण या गरीबी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आय वितरण को दर्शाता है लॉरेंज वक्र। और यह 1905 ईस्वी में मैक्स ओ लॉरेंज द्वारा विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है, खेती, विनिर्माण, डेयरिंग या ट्रेडिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रेडिंग जो है वो तृतीय क्रियाकलाप है आपका। और जो आपका विनिर्माण है ये द्वितीय क्षेत्र का है, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र का है, यहां से एक क्वेश्चन बनना ही है। और प्राथमिक क्षेत्र में जो है वो आपका कृषि आता है, डेयरी आता है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के हैं, विनिर्माण द्वितीय का है, ट्रेडिंग आपका तृतीय श्रेणी का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य में गरीबों के लिए एक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत की है, झारखंड, असम, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने 100% विद्युतीकरण के लिए ये योजना चलाई गई है और इसमें मथुरा जिले के दो गांवों को, लोहबान और गौसाना को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई कृषि रणनीति कब शुरू की गई थी, 1956, 1966, 1976 या 1986। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1966 ईस्वी में भारत की नई कृषि रणनीति घोषित की गई थी 1966 से 67 के दौरान। अगला क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहां है, दिल्ली, कानपुर, मुंबई, नासिक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, 8वें अनुसूची में दी गई भारतीय भाषाओं में से कोई एक, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हिंदी को। अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता,
प्राइमरी स्तर तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फैक्ट्री में बच्चों की नियुक्ति का निषेधादेश, धर्म प्रसार की स्वतंत्रता। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, धर्म प्रसार की स्वतंत्रता। ये भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त मौलिक अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? अनुच्छेद 388, अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 387, अनुच्छेद 386। क्वेश्चन नंबर 24, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 388, यानी अनुच्छेद 388 जो था ये 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में आया। ग्राम सभा एक अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? वार्ड सदस्यों, मुखिया, उपमुखिया तथा वार्ड सदस्य। कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पद धारक हो, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। राइट आंसर ऑप्शन डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। अगला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, डिक्टोसोम्स, फैगोसोम्स। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। जो लाइसोसोम की कोशिकाएं हैं उनको आत्मघाती थैलियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? थायमस, एस्ट्रोजन, कार्पस, एपिडिडाइमिस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व के नमक आतिशबाजी और पटाखों में रंग प्रदान करते हैं? जस्ता और सल्फर, पोटेशियम और पारा, स्ट्रोटियम और बेरियम, क्रोमियम और पारा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, स्ट्रोंटियम और बेरियम। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ के उत्सर्जन से अपने शिकार के बारे में रात के अंधेरे में भी दूर से ही जान लेता है? इंफ्रारेड रोशनी, अल्ट्रावायलेट रोशनी, उनके शरीर में रहे रसायनों या अल्ट्रासोनिक ध्वनि। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अल्ट्रासोनिक ध्वनि, अल्ट्रासोनिक ध्वनि। ऑटोमोबाइलों यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है? बर्नौली नियम, पोसियल्स सिद्धांत, पास्कल नियम, आर्किमिडीज का नियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पास्कल का नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन सामान्य हिंदी से, कोप का विलोम शब्द है, कोप का विलोम शब्द है शांत, गुस्सा, क्रोध या भयभीत। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, शांत। कोप का जो विलोम होगा वो शांत होगा। अगला क्वेश्चन, अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुष्ठान, अनुस्थान, अनुत्थान, अनुठान। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अनुठान बराबर अनुष्ठान, विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन, कि जिसका काम उसी को साज है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ किस क्रम में है? जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, काम करने वाला ही सुशोभित होता है, जिसको जो कार्य दिया जाए वही करे, अच्छा काम सजता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हुई वीरता की के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें, क्या होगा? यहां पर वैभव या वीरांगना या कायर या संपन्नता। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। यहां पर राइट आंसर आपका वैभव होगा, ऑप्शन ए फिल किया जाएगा, वैभव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानार्थी जोड़े का अनुप्रयुक्त विकल्प चुनिए, उपयोगी, उपादेय, इष्टकर, काक, सारंग, मयूर, पुष्कर, जलाशय, ताल, भूमि, मही, धरा। राइट आंसर ऑप्शन बी, काक, सारंग, मयूर, ये आपका सही
नहीं है यानी अनुप्रयुक्त पूछ रहा है। बाद बाकी उपयोगी उपादेष्ट कर सही है, पुष्कर जलाशय ताल सही है, भूमि मही धरा सही है। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा जो अनुप्रयुक्त पूछा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग 9005124256 पर व्हाट्सएप करें और लिखें UP SSC PAT PDF, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक भी कर दें। तो देखिए रीजनिंग से है क्वेश्चन कि बुलबुल कूंजना, मेंढक क्या होगा, चीखना या काव काव या टर टर या चू चू। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, जैसे मेंढक जो बुलबुल है वो कूजती है तो मेंढक क्या करता है, मेंढक उसी प्रकार जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो टर टर की ध्वनि निकालता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बेमेल को चुनना है, बेमेल को चुनिए जो समूह से संबंधित ना हो, जैसे चीज, अंगूरी शराब, दूध, दही। यहां पर जो राइट आंसर होगा आपका वो अंगूरी शराब होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भिन्न है। बाद बाकी ये चीज यानी पनीर, दूध, दही, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं दूध से संबंधित है, ये तीनों एक जैसी है, अंगूरी शराब बिल्कुल भिन्न है। अगला क्वेश्चन कराइए, यदि एक निश्चित भाषा में मद्रास को NBESBT कोड दिया जाता है तो इसी कूट भाषा में बॉम्बे को कैसे लिखेंगे। तो लिखते हैं, देखिए यहां पे क्या लिखा है इन लोगों ने, एम के बदले इन्होंने क्या लिखा था, एन लिखा था, फिर ए के बदले क्या लिखा है, बी लिखा है, ई के बदले क्या लिखा है, डी लिखा है, यानी एक लेटर बढ़ा के लिख रहे हैं। तो हम लोग लिखते हैं ये बॉम्बे वाला, देखते हैं बी का हम लोग क्या लिखेंगे, सी लिख लीजिए, ओ का क्या लिखोगे, पी लिखिए, ओ का क्या लिखोगे, पी लिखिए, और एम का क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, और बी का क्या हो जाएगा, बी का आप सी लिख दीजिए, बी का सी हो गया, और ए का बी हो गया, और वाई का जेड हो गया, यानी सी पी एन, सी पी एन से स्टार्ट हो रहा है, देख लीजिए सी पी एन सी बी जेड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सी पी एन सी बी जेड, सी पी एन सी बी जेड, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैच कर लेंगे आप लोग, आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगला देखिए 49 क्वेश्चन, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर, तो यहां पर क्या होगा, क्या ओ क्यू एस होगा या टी यू बी होगा, टी डब्ल्यू टी वी एक्स होगा या यू बी डब्ल्यू होगा। तो देखते हैं पहले इन्होंने किया क्या है, यहां पर देखिए पहले इन्होंने क्या लिखा है, बी लिखा है, बी, फिर सी छोड़ दिया है, डी लिखा है, फिर ई छोड़ दिया है, एफ लिखा है, फिर अगला देखिए जी छोड़ दिया, एच लिखा है, एच के बाद क्या लिखा है, आई छोड़ा है, जे लिखा है, के छोड़ा है, एल लिखा है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, आर इन्होंने लिखा था, एस छोड़ देंगे हम लोग, आर छोड़, एस छोड़ दिया, टी लिखा, यू छोड़ दीजिए, वी लिखिए, डब्ल्यू छोड़ दीजिए, एक्स लिखिए, अर्थात आपका टी वी एक्स, दिस इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टी वी एक्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ घटाना है और गुणा का अर्थ जोड़ना है तो कौन सा समीकरण सही है। देखिए क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ भाग है, जहां जहां माइनस है वहां भाग रखिए, अगर हम लोग यहां पर भाग रखें तो यहां क्या होगा, 14 और 24 से भाग तो हो ही नहीं सकता ना, यहां पर हो सकता है, अर्थात ये दोनों ऑप्शन तो आप ऐसे काट दीजिए। अब इनमें रख के देख लीजिए क्या करना है, 24 इन्होंने दे रखा है और माइनस का अर्थ इसमें भाग बताया, तो यहां पर भाग हम लोगों ने रखा 12 किया, क्या हो गया, फिर प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा लिखा, 12 किया, फिर क्या कह रहा है, भाग का अर्थ घटाना है, फिर घटाना, फिर 16 दिया है, 16 लिखिए, फिर गुणा का अर्थ जोड़ है, जोड़ दीजिए 18, कितना होगा, 12 दूनी 24, यहां कितना बचेगा 2, 12 2 24 होता है 2 बचा, इसका मल्टीप्लाई फिर कर देंगे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 में से 16 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 और 8 18 जोड़ दीजिए कितना हो गया 26, अर्थात
आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स से, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा, 120वें, 125वें, 136वें या 140वें। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, भारत खुशहाली रिपोर्ट में यानी हैप्पीनेस रिपोर्ट में 136वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान नोट कर ले फिनलैंड का रहा है, फर्स्ट पोजीशन किसकी रही है, फिनलैंड, पहली पोजीशन जो रही है वो फिनलैंड की रही है, और दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस के साथ धरती का सबसे गर्म स्थान रहा, दुबई, दिल्ली, कुवैत या चेन्नई। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कुवैत जो है वो सबसे गर्म स्थान वाला शहर रहा है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक को आईएफआर एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या यस बैंक। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक को। अगला क्वेश्चन, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस देश के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, स्टार के साथ नोट कर ले, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। एबल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, डेनिस पर्नेल सुलिवन को, इन्हें दिया गया है, कहां से बिलोंग करते हैं, जापान, अमेरिका, चीन या ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन वी, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस राज्य के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल एक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, केरला, ओडिशा, गुजरात या महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस क्रिकेट टीम को हराकर ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने जीता है, भारतीय क्रिकेट टीम, बांग्लादेश क्रिकेट टीम, नेपाल क्रिकेट टीम या इंग्लैंड क्रिकेट टीम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इंग्लैंड क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने हरा करके ये आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है, और 71 रनों से हराया था, 3 अप्रैल को फाइनल खेला गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, आर्क बिशप डेसमंड टुटू और किसके द्वारा एक चित्र पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखी गई, तेंजिन ग्यात्सो, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तेंजिन ग्यात्सो। भारत का कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन में 10 लाख टन के अंतर के साथ सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा, केरल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश जो है वो सब्जियों के उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौन सा शहर विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित करने वाला शहर है, दुबई, चेन्नई, ढाका, दिल्ली। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जो ढाका है ये सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित करने वाला शहर है। अगला क्वेश्चन, 2016 के रियो ओलंपिक, रियो खेलों और 2004 के पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण या भारत रत्न। राइट आंसर ऑप्शन ए, पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में। राइट आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। सीवी रमन के योगदान का स्मरण उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी, 14 जनवरी, 19 दिसंबर या 28 नवंबर को। राइट आंसर ऑप्शन ए, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चेराव निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है, मिजोरम का, छत्तीसगढ़ का, हिमाचल प्रदेश का या गोवा का। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिजोरम का ये एक लोक नृत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, 78
0.04%, 72.04%, 76.04% या 74.04%। राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी 74.04%, यानी 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भारत सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी यानी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी? 1971 में, 1954 में, 1960 में या 1948 में? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प को आपको चूज करना है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो गलत है वो आपको बताना है, वो पहला ही ऑप्शन गलत है कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। उसके लिए कम से कम आपको 35 वर्ष की एज पूरी होनी चाहिए, तब ही वह राज्यपाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन, द रिलेक्टेंट फैमिली मैन शिवा इन एवरीड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? एम एन दीपक नामवियार, रीमा हुजा, नीलमा चेतन गोपेकर या मूलचंद शर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन सी नीलिमा चेतन गोपेकर। दिस इज द राइट आंसर ऑप्शन सी नीलिमा चेतन गोपेकर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष पूछा है। एम एन कॉल, रवि रे, ए के गोपालन, एम अनंत सैनम अयंगर? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी एम अनंत सैनम अयंगर। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? जॉर्डन, इराक, इंडोनेशिया या बांग्लादेश? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी इंडोनेशिया, तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है एशिया का। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तूतीकोरिन, कोचीन, मोरमगुआ या कांडला? राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी कांडला पत्तन का नाम जो है बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, याद रखेंगे। अपडेट हिंदी गद्यांश का विवेचन करना है आपको, उसके बाद में आपको इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप करें 9005124256 पर, आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं गद्यांश। नेपाल की तराई में वीर सेन नाम का डाकू रहता था, डाके डालना और हत्या करना उसका धंधा था। जंगल की पहाड़ी पर श्रृंगदेव नाम के एक साधु रहते थे, कंद मूल खाकर तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन श्रृंगदेव आ रहे थे कि डाकू वीर सेन सामने आया। घने जंगल के बीच में श्रृंगदेव को देखकर वीर सेन को आश्चर्य हुआ। वीर सेन के सामने पड़ने पर लोगों का पसीना छूटता था, लेकिन श्रृंगदेव शांत भाव से देखने लगे। यह देखकर वीर सेन को आश्चर्य हुआ। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन देखिए, वीर सेन नाम का एक नेपाल की तराई में रहता था कौन? किसान, व्यापारी, ऋषि या डाकू? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी डाकू रहता था। वीर सेन नाम का एक डाकू नेपाल की तराई में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगदेव पर रहते थे, कहां पर रहते थे? पहाड़ी पर, जंगल पर या गांव या तराई? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पहाड़ी पर। श्रृंगदेव पहाड़ी पर रहते थे, कहां रहते थे? पहाड़ी पर रहते थे। अगला क्वेश्चन, श्रृंगदेव को देखकर वीर सेन को हुआ क्या हुआ था? भय, आश्चर्य, संतोष या असंतोष? राइट आंसर इज ऑप्शन बी उसे आश्चर्य हुआ था। श्रृंगदेव को देखकर वीर सेन को आश्चर्य हुआ। अगला क्वेश्चन, खेलने वाले को कहते हैं खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी या लड़ाकू? राइट आंसर इज ऑप्शन सी खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 46 को हिंदी में कहते हैं 4 6 40 पर 6 46 ये 46? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी
46 इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। अगला गद्यांश पढ़ते हैं, इस पर आधारित फिर प्रश्नों के उत्तर आप लोग लगाएंगे। प्रकृति मानव की शिक्षक है, सबसे बड़ी शिक्षा तो स्वार्थ रहित भावना की है, प्रकृति हमें अपना सब कुछ दान कर देती है परंतु हम बदले में प्रकृति को क्या देते हैं। प्रकृति हमें जीवन यापन की सुविधाएं देती है और हम उसका संरक्षण एवं सेवा संभाल भी सही रूप से नहीं कर पाते, हम उसके प्रति विपरीत स्वभाव रखते हैं, वनों का अंधाधुंध सफाया करते जा रहे हैं, पेड़ काटकर औद्योगिक परिसर भवन होटल तथा व्यापारिक स्थल बनाते जा रहे हैं। हम यह भूल रहे हैं कि इस प्रकार ये संसाधन एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। हम जानते हैं कि प्रकृति अपनी पुनर्पूर्ति नहीं कर सकती, यह कार्य हमारे कंधों पर है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वन वर्धन करें ताकि प्रकृति से प्राप्त साधनों की कमी हमारी भावी पीढ़ियों को न झेलनी पड़े। इस पर आधारित पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पुनर्पूर्ति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? पुनर, पुनर, पुनः या पु? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, पुनर, यह आपका उपसर्ग प्रयुक्त है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक शब्द का वर्ण विच्छेद आपसे पूछा गया है। औद्योगिक शब्द का वर्ण विच्छेद करिए आप लोग और कमेंट करके बताइए। तो औ, औ का औ लिख लेंगे, क्या हो जाएगा औ, फिर क्या है प्लस का निशान लगाइए, फिर क्या करेंगे द लिखिए, द लिखा है कहीं द, फिर या, फिर ओ, इस आधार पे देखिए कोई सीरीज चल रही है, औ द या प्लस ओ, फिर क्या लिखेंगे गा लिखेंगे, छुट्टी की मात्रा लगाएंगे, अर्थात ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। औ द या प्लस ओ फिर ग फिर छुट्टी का और आया, ये आपका वर्ण विच्छेद करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश हेतु उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक क्या होगा? प्रकृति और हम, प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति और जीवन, प्रकृति का महत्व। राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रकृति और हम, ये आपका उचित शीर्षक है इसका। अगला क्वेश्चन, प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? प्रकृति का सौंदर्य बनाए रखना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, प्रकृति हमें स्वार्थ रहित सेवा भावना की शिक्षा देती है, प्रकृति प्राकृतिक संसाधनों की सेवा संभाल एवं संरक्षण करे। राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रकृति हमें स्वार्थ रहित सेवा भावना की शिक्षा देती है। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य वनों को क्यों काटता जा रहा है? मनुष्य औद्योगिक परिसर भवन होटल तथा व्यापारिक स्थल बनाने हेतु वनों को काट रहा है। मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों में वनों की आवश्यकता नहीं है, वन अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं, वनों के कई विकल्प हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मनुष्य वनों औद्योगिक परिसर भवन होटल तथा व्यापारिक स्थल बनाने हेतु वनों को काटता जा रहा है। दोस्तों पैराग्राफ की प्रैक्टिस आपको कम से कम 2-3 बार पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद में उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करना है। इजीली सॉल्व कर लेंगे आप लोग, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें बताएं हमें। और आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।